अपनी जोन में गए, जब हम मैच खेलाते हैं मैच के बाद प्लान ना पड़ा, अब जो है ना ग्राउंड पहुंचने वाले हैं, आप थोड़ी देर में ग्राउंड में दिखाएंगे और इंशाल्लाह मैच के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं ये ग्राउंड में। ये खान साहब आप इसकी ये देखो दीदार आपने किया नहीं होगा इतने दिनों से, लाइट में तो मौसम बदलते हैं, पतझड़ का मौसम आता है और उसके अलावा क्या कहते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं बदलती रहती, इंसान की गिरगिट बदलता रहता है, रंग बदलता रहता है। ये भाई हर जुमे इसकी हाजिरी होती थी हमारी तरफ, हाजिरियाँ जब से इसकी शादी हुई है हाजिरियाँ इसकी बंद हो गई हैं, ये जज्बात बदल दिए इसने हमारे जब से इसकी शादी हुई है। जैसे पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमारे जज्बात बदले हैं, पहले दो मैचेस लगातार हारने के बाद किस तरह से हमारे जज्बात बदल दिए हैं, इस भाई का भी वही हिसाब किताब है, इसने शादी करवा के हमारे हम सब के जज्बात बदल दिए हैं। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, मतलब ये हमारे पास नहीं आ रहा, नहीं तो जुम्मे वाले ने सबसे पहले हम अभी तैयार हो रहे थे ये हमारे पास आ जाता था, लेकिन अब इसका मैसेज तक नहीं आता। चलो मिलना तो दूर की बात है, बंदा आता है चलो मुलाकात करता है, मैसेज तो कर लेता है, मैसेज भी नहीं कर रहा भाई, मैसेज तक तो कर ले यार, क्या मसला है, कहते हैं टाइम ना दो दोस्तों को, मैसेज करता हूं यार, कब करोगे यार करता हूं। ये देखो अब शर्मिंदा हुआ खड़ा है बेचारा, फिर भी दोस्त है। यो कैसी लाइफ गुजरी है शादी वाली, जबरदस्त, खुशी चेक करो बंदे की, खुशी यार खुश नहीं हूं मैं, जवाब ऐसे खुश नहीं है शादी करवा के, खुश नहीं है नहीं यार ला शादी करवा के खुश नहीं है। तो हमारे अभी प्लेयर रेडी हो रहे हैं, कुछ लोग आए हुए हैं कुछ आ रहे हैं, भाई मेरा भी खेल रहा है, अहमद सईद अभी तक नहीं पहुंचा, बाकी आवाम भी नहीं पहुंची, जिस वजह से पूरी से ग्राउंड की लाइट्स वगैरह होनी की हुई, जैसे सारी आवाम पहुंचती है उसके बाद हम प्लेयर डिवाइड करेंगे, उसके बाद खेलना स्टार्ट करेंगे। अभी ये प्रैक्टिस वगैरह चल रही है इनकी, ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये आवाम प्रैक्टिस कर रही है बॉलिंग लड़के, अभी फुल तरह से लाइट्स ऑन नहीं की गई क्योंकि जैसे ही हम लाइट्स ऑन करेंगे तो हमारा जो क्या कहते हैं दो घंटे स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए हम तब तक वेट करें जब तक हमारे सारे प्लेयर रेडी नहीं हो जाते यहाँ पर आ नहीं जाते, जब टीम डिवाइड कर लेंगे फिर उसके बाद ये लाइट्स ऑन करवाएंगे, फिर उसके बाद तो प्रॉपर मैच स्टार्ट करेंगे। अभी बाकी ये देखो अहमद साहब भी आ चुका है, ये उसकी विड्स गाड़ी आई है, वो कहाँ चला गया आगे गया, वो देखो क्या पहनी हुई अगर आपको नज़र आ रहा, नहीं तो यहाँ पे आएगा फिर उससे मुलाकात करते हैं, घर में जिसको दूसरी तरफ दिखाना नहीं मिलता वो यहाँ पे प्लेयर डिवाइड कर रहा है, प्लेयर डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं कितने कितने किस कैसे में आते हैं, फिर उसके बाद अपना जो मैच स्टार्ट है। नहीं नहीं ये भाई टेप फेंक उल्टा 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 मैं रुक के देख वो देख नहीं ये पर देख कोई नहीं भाई दिखा दे दोबारा सिक्का पड़ा सिक्का पड़ा सिक्का पड़ा सिक्का आ गया सिक्के से करो एक बार देखने दे यूं एक बार है बम भैया मस्जिद रुक टॉस हो गया हमारी पहली इनिंग का, खान साहब टॉस जीत चुके हैं, अब उसके बाद हम अपने इनिंग का आगाज करते हैं, हमारी बॉलिंग उनकी बैटिंग है, खिलाड़ी सारे बैट टूटा हुआ यार, खान वाले बैटिंग पे कर रहे हैं, हमारी फील्डिंग साइड है, चलो मैच अपना स्टार्ट करते हैं अपना। अरशद भाई बैटिंग कर रहे हैं, ताज़ा ताज़ा इन्होंने चौका जड़ दिया, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मैच चला हुआ है, अभी तक अंपायर हमारे बिल्कुल शेड्यूल हैं, उनको पता नहीं कितना स्कोर है कितना। वेल बॉलिंग यार वेल बॉलिंग, फील्डिंग चेक करो, आउट आउट हो गया आउट हो गया, शाबाश अरशद भाई ने अपनी इनिंग का इख्तिताम कर दिया। पहला मैच हम जीत चुके हैं जिसमें से हमने 46 रन को चेज़ किया, अब दूसरे मैच की फर्स्ट इनिंग हमारी बारी आई है, मैंने स्कोर कर लिया ने 30 31 स्कोर किया, उसके बाद आउट हो गया मैच का, खान साहब
हर दफ़ा इतना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हराम खोरी चढ़ी हुई है ना, जब यहाँ पे आके भागते हैं इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। शाबाश शाबाश भागो। ओह वेल थ्रो यार, खान साहब छा गया भाई, अभी इसने ज़बरदस्त किस्म का कैच पकड़ा और उसके अलावा रन आउट किया। खान साहब खुश हो रहा है, इसने ज़बरदस्त किस्म का रन आउट किया इसने। हमारे तकरीबन काफ़ी सारे प्लेयर आउट हो चुके हैं, हाफिज़ भाई भी आप आउट होके आ रहे हैं। वेल प्लेड यार, वेल प्लेड खान साहब, वेल प्लेड। चलो 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 शाबाश, चल भाई। इस मैच में हमारा स्कोर तो तकरीबन बहुत ज़्यादा कम बनेगा, लेकिन कोशिश करेंगे इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करें और अब मैच अपने नाम करें। दूसरा भी अभी हमारी क्या कहते हैं टोटल मिनट 40 मिनट हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा हमारा टाइम पड़ा है, दो एक मैचेस और हो जाएंगे, मज़ा आएगा। थकावट की वजह से बॉलर में ज़्यादा तो मिलता है थोड़ी देर। सारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, मैं बॉलर दिखाऊँ तो जिसने सबकी विकेट ली है। ये सामने देखो पेंट शर्ट लड़का खड़ा, यही बॉलिंग कर रहा है, स्लो बॉल करवा के सबको आउट कर रहा है। हमारा लास्ट मैन है जुबैर है, पर जिसका भी है जुबैर नाम से गाल आ रही है। लास्ट मैन हमारा दूसरे इनिंग्स का खेल है, बहुत ही स्लो बॉल कर रहे, जिससे वो शॉट है लड़के, जबरदस्त बेहतरीन। ये दूसरे इनिंग्स का आखिरी प्लेयर है, वही छक्के मार रहा है, ओए होए होए छक्का, शाबाश लड़के शाबाश। चलो इस बड़े बेहतरीन बॉलर को आखिर पे दो छक्के लग गए। अब लास्ट ओवर खान साहब आ रहे हैं बॉलिंग कराने, देखते हैं खान साहब क्या करते हैं इस ओवर में। वो सामने बैट्समैन देखे जिसने अभी दो 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 छक्के लगाए हैं दो बॉल्स पे, खान साहब बॉलिंग कर रहे हैं। ओ हमारे इनिंग्स का इख्तिताम हो गया, खान साहब ने आखिरी विकेट ले लिया, फिर हम अब फील्डिंग करते हैं। चार मैचेस, चारों मैचेस में हमने चारों के चारों मैचेस जीते हैं, जिसमें से मैंने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग भी किया, बॉलिंग भी किया है। सबसे पूछ सकते हो अगर मैं झूठ बोलूँ मेरे मुँह पर लाना, भाई मैंने किस तरह की बैटिंग बॉलिंग किया यार, थैंक यू सो मच यार मेरी तारीफ करने के लिए। भाई मेरा जैसे बाबर आजम कैंटी होता है, ये मेरे काम की है। ये देखो अपोजिट टीम का ये कैप्टन, इससे पूछते हो कि यार मैं कैसा खेलूँगा आज के दिन के लिए, अब क्या अपने विशेष टिप्पणी देना चाहोगे? मैं आया था इसकी वजह से, ये हराम ही निकला ऊपर वो कौन सबसे आरामी है, सबसे आरामी है। तो हम सीरीज जीत चुके हैं, ये जिस तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा इस तरह हम भी जीत चुके हैं। तो आप क्या कहते हैं, सारे थक चुके हैं, ये माहौल चेक करो, ये सारे थकावट के शिकार है, पसीना आया हुआ हम सबको, अब हम यहाँ पे रह सकते हैं। सीरीज जीत के उसके बाद क्या कहते हैं, अब इन जहाँ पे हम नेट पे किया है यहाँ पे मैच खेले, उनको पैसे भी देने, ये देखो ये पैसे वगैरह दे दे रहे हैं, सारों से इकट्ठा कर रहे हैं। तकरीबन 1500 रुपये घंटा यहाँ पे आवाम आती है, खेलती है रात के टाइम। अब आजकल के पहले जब हम खेलते थे, अब कम कर दिया बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलना, अब वहाँ पर हम लोग ग्राउंड वगैरह में जाते थे, प्लाट वगैरह ढूंढते थे, वहाँ पे लड़के इकट्ठे करके वहाँ पे मैच खेलते थे बिना पैसे के। अब हम ज़रा अपग्रेड हो चुके हैं, सारे अपग्रेड हो चुके हैं, मम्मी डैडी बन गए हैं, तो वो मम्मी डैडी माहौल एक्सपेक्ट करते हैं, फिर उसी हिसाब से इन्हें पैसे भरने का भी कोई मसला नहीं होता, पैसे भी भरते हैं। फिर ये 1500 रुपये घंटे, ये बिकन हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये वाला क्या कहते हैं, ये स्टेडियम समझ लो, जो मर्जी समझ लो यार, मुझे नहीं पता, जो भी समझ ग्राउंड समझ लो, फिलहाल ये ग्राउंड ही है जहाँ पे हम मैच खेले हैं। यहाँ 1500 रुपये घंटा भरते हैं और आवाम अपनी मर्जी से इन्जॉय करती है, लेकिन इतने इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, रफ़ है बहुत ज़्यादा, काफ़ी अर्से से यहाँ आवाम खेल रही है इसलिए रफ़ कंडीशन, लेकिन फिर भी सही है, मज़ा आया। हम तो चार मैच जीत चुके हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब ये पैसे वगैरह देते हैं, ये बाहर से व्यू है इस नेट का। हाँ साहब ये सारे अब वापस घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, दूसरी टीमें आ चुकी हैं, वो आपस में खेलेंगे। हमारी ये बाइक्स वगैरह यहाँ पे क्या कहते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम अब निकलते हैं यहाँ से, रवाना होते हैं। खेलने के बाद हम लोग जाने लगे थे घर, फिर अहमद साहिब ने कहा कि यार चाय वगैरह पीते, तो हम चाय पे निकल आए हैं यहाँ पे कैफे नाइट में, ये क्या कहते हैं बागा टाउन फेज़ 2 के साथ ही है यहाँ पे। ये देखो ये सारी आवाम खड़ी है, चाय वगैरह पीने में खान साहब के हर जगह कोई ना कोई यकियाँ होती हैं, इसलिए यकी करके तो किसी की बाइक गिरा देते हैं। अब हम निकल होते हैं चाय वगैरह पीने।
अब इंटर होते हैं ये। अरे काम करिए, आते हुए ना शेखों के पास होता है। मैंने ऑर्डर वगैरह दे दिए चाय का, पराठे वगैरह का भी। ये सात भाई ने ऑर्डर दिया। ये सारे अब क्या कहते हैं खेल कूद के आ गया, अब सारे इंटरनेट चाहिए थे सबको, इंटरनेट इस्तेमाल करने बेचारे थके हुए थे। इंटरनेट इस तरह की हमारी ज़रूरत बन चुका है, रोज़मर्रा काम है। पानी जितनी हमारी ज़रूरत नहीं होगी जितना नेट है आजकल के दौर में। अब ऑर्डर दे दिए जैसे आता है, फिर उसके बाद खा पी के घर चलते हैं। खान साहब की बेगम इंतज़ार करेंगे नहीं तो इसको खल्ले पड़ेंगे लिटा लिटा के। ये हमारे पास अरेबियन पराठा आ चुका है, ऑर्डर किया था हमने लोगों ने। ये क्या कहते हैं फजीता आ गया है, ये पिज्जा टाइप की इन्होंने शेप बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक दे रहे हैं ये। अब खान साहब हमारी तरह बहुत ज़्यादा जल्दी करें, खाना स्टार्ट कर दे अपना। इसमें तो भूख खाऊंगा नहीं लोगों ने क्या कहते हैं चाय वगैरह पी लिया, पराठे वगैरह जिस तरह से पिज्जा वगैरह बना तो उस तरह के पराठे बने तो वो भी खा लिया है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया। बिल हमने पे नहीं किया, साथ भाई ने पे किया, बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने मांगे भी नहीं, हम दिए भी नहीं हैं। आप क्या कहते हैं हम रवाना होते हैं, मिल गया ओके मैं चल। चलो तो आप चलते हैं घर अपने। पहुँच चुके हैं घर, पहुँचने के बाद अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 12:30 का टाइम हो चुका है, सोने का टाइम है। तो मिलते हैं सुबह के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।